मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग तन्मय। तन्मय गुड मॉर्निंग। यस गुरुत्व साल्वे गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुरु। मॉर्निंग सर। वेरी गुड। जस्ट अ मिनट बेटा। Dear students, I got one request from a student Pranay. Do you know who is Pranay? Prathamesh. Sir Prathamesh. Why he is named? Okay. Prathamesh, are you present right now? Is someone mic is still on? Band karo. हाँ प्रथमेश यस विवेक बारे यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। स्विच ऑन योर वीडियो। Vivek Barai, switch on your video. Yes, sir. Where are you sitting right now? Balcony. In balcony. Okay. You are living where? In Wedgwood Colony Wedgwood. Or? Wedgwood Colony. Okay. So yes, now please tell me which chapter were we doing in yesterday's class? Civics second chapter. Where is Mahek Alag? Sir. Mahek. Yes, sir. हाँ. कमांड बना कि नहीं बना? नहीं सर नहीं बना। क्यों खाती नहीं क्या? सर खाती हूँ ना। अच्छा 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 टेस्टी लगता है वो सेव कमांड बनाते हैं या जनरल वाला? जनरल वाला। अच्छा तो नायलॉन कमांड बनाते हैं या वो मोटा वाला बनाते हैं? मोटा वाला। अच्छा कौन बनाता है? मम्मी। वेरी गुड वेरी गुड अच्छी बात है। चलो एक गुजराती रेस्टोरेंट ओपन करो गढ़चंदूर में। सर ऑलरेडी है। हाँ है पहले से ही है। अच्छा अच्छा कौन सा है? मैं कौन सा वाला रेस्टोरेंट है? कैन यू नेम इट? बालाजी। अच्छा बालाजी ओके। इट बिलोंग्स टू यू? यस सर। अच्छा वो जो बालाजी रेस्टोरेंट है वो आपका है क्या? सर। हाँ नो सर। अच्छा ठीक है तो वहां पर खमण और फाफड़ा जलेबी मिलता है? यस सर। अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए तो थोड़ा सा पोर्शन बाकी था है ना। सो दिस इज द सेक्शन वेयर वी वेयर इन यस्टरडे सेशन। कल हम शायद इस सेक्शन पर थे बेटा। इन व्हाट वे इज इंडियन सेक्युलरिज्म यस सर डिफरेंट? यस सर है ना। यस सर तो कल हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर रहे थे In what way is Indian secularism different from that of other democratic country? यानी हम क्या इस सेक्शन में क्या डिस्कस करेंगे? हम इस सेक्शन में इस बात को डिस्कस करेंगे कि इंडियन सेक्युलरिज्म बाकी के
डेमोक्रेटिक कंट्रीज के कंपैरिजन में किस तरीके से डिफरेंट। तो यहां हम एग्जांपल ले रहे हैं, कंपैरिजन करेंगे बिटवीन द सेकुलरिज्म इन इंडिया एंड द सेकुलरिज्म इन यूएसए। ठीक है, इंडिया में सेकुलरिज्म कैसे अडॉप्ट करते हैं, कैसे अडॉप्ट किया है, और यूएसए में सेकुलरिज्म कैसे अडॉप्ट हुआ। इतनी बात आई समझ में? यस 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 सो इन मेनी कंट्रीज सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर टू दोस दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसका मतलब क्या है कि जो बाकी की सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वर्ल्ड में इंडिया को छोड़कर और भी बाकी की जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं सर। यस सर, कैन यू प्लीज शेयर द स्क्रीन। अच्छा, जस्ट अ मिनट, थिंक आई फॉरगॉट टू डू दैट, है ना। नाउ इज इट कमिंग? यस सर, इट्स यस सर। सॉरी स्टूडेंट्स, है ना, इन दैट प्रोसेस आई फॉरगॉट टू डू द स्क्रीन शेयरिंग। चलिए, तो सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर टू दोस that have been included in the constitution of secular democratic countries in other part of the world. Ab iska matlab kya hai, jo objectives indian constitution mein abhi humne discuss kiye 2 ya 3 dino mein, hai na, wahi ke wahi objectives world ke other secular democratic countries mein bhi इंक्लूडेड किए गए। यानी वर्ल्ड में जितनी भी सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज होंगी, उन सारी सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ठीक है, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स कैसे होते हैं, सिमिलर। ठीक, जैसे यहां हमें एक एग्जांपल दिया, ओके, द अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिटेड द फ्री एक्सरसाइज ऑफ द रिलीजन। ठीक है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूशन में जब पहला चेंज किया गया, तो जो पहला चेंज था वो किससे रिलेटेड था, प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये बात लिखी हुई है कि लेजिस्लेचर, नाउ व्हाट इज लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग अथॉरिटी, हु इज लॉ मेकिंग अथॉरिटी, द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। व्हाट इज लॉ मेकिंग अथॉरिटी, पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। तो यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये बात लिखी हुई है कि लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट को रिलीजन से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाने की परमिशन नहीं है। धर्म से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड लॉ कौन नहीं बनाएंगी, कौन नहीं बनाएगा, सीधा सीधा बोल दिया, सीधा सीधा बता दिया कि लेजिस्लेचर क्या नहीं करेगा, रिलीजन से रिलेटेड कोई भी लॉ नहीं बनाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड एस्टैब्लिशमेंट इज दैट द लेजिस्लेचर cannot declare any religion as the official religion।
तो लेजिस्लेचर यानी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं करेंगे। ठीक, साई बाबा ने जय कोरा से, आर यू प्रेजेंट? यस सर, यस सर। स्विच ऑन, वीडियो स्विच ऑन करो। हाँ, जस्ट अ मिनट। यस, साई बाब ने तुम्हारे उसमें जय कोरासे का नाम भी दिया है, तो बोथ विल बी अटेंडिंग। हाँ, तो दोनों एक साथ क्लास अटेंड करते हो क्या? हाँ सर, पर आज वो नहीं आया है। ओनली आज नहीं आया? हाँ सर, यस्टरडे ही वाज देयर। He is not having mobile with him? Yes, sir. His brother is taking to Chandrapur. Achha. And they are having only one mobile at home, hai na? Yes, sir. Other mobile his father is taking on office. Okay, theek hai. Fine. So, it means he is regularly attending the class with you? Yes, sir. Okay, so tomorrow, when the class will start, both of you switch on your video, okay? Yes, sir. Very good. Thank you. Thank you, sir. Yes. So, what is mean by the word establishment? यहाँ पर establishment का meaning क्या है? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर क्या नहीं कर सकते? किसी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं करेंगे, ठीक है? नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, ना तो वो किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस दे सकते हैं। इन द यूएसए द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन means that neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another. USA में, कहां पर? USA में, United States of America में जो secularism अपनाया है उसमें clear cut लिखा है कि state यानी government religious matters में interfere नहीं करेगी, और कोई भी religion से रिलेटेड इश्यू किसके पास नहीं जाएगा? स्टेट के पास नहीं जाएगा। देयर इज वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट और डिफर्स फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म एज प्रैक्टिस इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहां हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अनुष्का बल्कि, व्हाट डू यू वांट टू से बेटा? अनुष्का, वीडियो स्विच ऑन करो जरा। अनुष्का बल्कि, वीडियो ऑन करो। गुड, जस्ट अ मिनट। यस, नाउ अनुष्का, क्या प्रॉब्लम आ रही है? यू आर नॉट एबल टू स्पीक, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। माइक ऑन करो। Switch on the mic. So where are you sitting right now, beta? Okay, use the chat box. Use chat box. Yes, Anushka, where are you sitting right now?
use the chat box. At home. Yes, Anushka. कहीं पर थोड़ा सा यदि पॉसिबल हो तो घर के बाहर कहीं आकर के बैठने की कोशिश करो, सो दैट यू विल बी हैविंग ए गुड कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट, है ना। कहीं पर मेरे साथ होता है रूम पर जब कनेक्टिविटी नहीं मिलती है मैं घर की गैलरी में आकर के बैठ के पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए, so there is one significant way in which Indian secularism differ from the dominant understanding of secularism as practiced in the United States of America. This is because unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, in Indian secularism the state can intervene in religious affairs. ठीक है, तो यहां ये लाइन ये कह रही है कि इंडियन सेक्युलरिज्म यानी इंडिया में जो हमने सेक्युलरिज्म अडॉप्ट किया है उसमें और अमेरिका में जो सेक्युलरिज्म अडॉप्ट किया है उसमें एक मेजर डिफरेंस है। दोनों में क्या है, एक मेजर डिफरेंस है। अब वो क्या डिफरेंस है, ठीक। इन केस ऑफ अमेरिकन सेक्युलरिज्म, अमेरिका में जो सेक्युलरिज्म है देयर इज ए स्ट्रिक्ट सेपरेशन। इन अमेरिका देयर इज ए स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट। अक्षर तिवारी, मेरी आवाज प्रॉपरली सुनाई दे रही है? Excuse me, sir. Sir, can you please share the screen? अक्षर तिवारी, मेरी आवाज properly सुनाई दे रही है? तन्मय गोखरे? Yes, sir. Are you able to listen me properly? Yes, sir. It's clearly audible. Okay. Thank you, man. So there is a one big difference between the system of secularism in USA and the system of secularism in India. In case of USA, there is a strict separation between religion and the state. तो USA में, United States of America में religion और state matter में strict separation है। Clear cut बोला है कि किसी भी condition में, not in any condition, किसी भी condition में state यानी गवर्नमेंट का सिस्टम किसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। एक इंडिया में डिफरेंस क्या है, इन इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर्स। स्टेट क्या कर सकता है, रिलीजियस अफेयर्स में इंटरवीन कर सकते हैं। स्टेट किसमें इंटरवीन कर सकता है, रिलीजियस मैटर्स में इंटरवीन कर सकता है। इतनी बात आई समझ में? यस सर। यस सर। यस सर।
स्टेट इंटरवीन कब करेगा? कल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो दो पॉलिसीज हमने डिस्कस करी थी, एक है नॉन इंटरफेरेंस और एक है इंटरवीन। तो जब हम इंडियन सेक्युलरिज्म के थ्री वेज डिस्कस कर रहे थे उस समय हमने ये बात डिस्कस करी थी, इंटरवीन एंड नॉन इंटरफेरेंस। तो जब नॉन इंटरफेरेंस की बारी आएगी तो जबरन में टांग नहीं अड़ाएंगे, और इंटरवीन मतलब स्टेट यानी गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। कब कर सकती है? यदि इंटरवीन कर सकती है। इंटरवीन कब कर सकती है? जब इंडिया में गवर्नमेंट को ये बात समझ में आए कि उस रिलीजन की किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस के कारण क्या हो रहा है, लोगों को तकलीफ या प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करेंगे? इंटरवीन करेंगे। अमेरिका में इस टाइप का कोई भी सिस्टम नहीं है, तुम जानो और तुम्हारा रिलीजन जाने, स्टेट गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर्स में किसी भी कंडीशन में इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस, दैट इज द बेसिक डिफरेंस इन सेक्युलरिज्म इन अमेरिका एंड द सिस्टम ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। ठीक, यू हैव रीड अबाउट हाउ the Indian constitution intervened in Hindu religious practices to abolish untouchability. ठीक है, इसीलिए इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कई बार इस प्रकार की व्यवस्था करी है जिसके जरिए प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को क्या किया गया, एबॉलिश किया गया। ठीक, इन इंडियन सेक्युलरिज्म the state is not strictly separated from religion, it does mean maintain a principal distance vis-a-vis religion. Indian secularism mein, in India mein jo system of secularism hai, us system of secularism mein ek 100% strict separation kahi bhi nahi, एक प्रिंसिपल बेसिस पर डिस्टेंस मेंटेन है कि धर्म के आधार पर इंडियन सेक्युलरिज्म में और इसमें डिस्टेंस बना करके रखना है। यानी इंडियन सेक्युलरिज्म इस तरीके से काम करता है कि जहां तक हो सके तब तक क्या नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, जब तक पॉसिबल है तब तक क्या नहीं होगा, इंटरफेरेंस नहीं। सो दिस मींस दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन बाय द स्टेट हैज टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दीज आइडियल्स सर्व एज ए स्टैंडर्ड थ्रू विच वी कैन जज वेदर द स्टेट इज और इज नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू सेक्युलर प्रिंसिपल। ठीक है, so ये जो प्रिंसिपल है वो इस चीज पर वर्क करता है कि सेक्युलरिज्म प्रॉपरली अडॉप्ट होना चाहिए। सेक्युलरिज्म कैसा? प्रॉपरली अडॉप्ट होना चाहिए, और यदि सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट करते समय लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो उसका भी क्या मिलना चाहिए, प्रॉपर सॉल्यूशन मिलना चाहिए। यहां तक बात आई समझ में? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ओके। नाउ द
The Indian state is secular. The Indian state is secular means India कैसी है? एक secular country. And it work in various ways to prevent religious domination. So India is a secular country. India is a secular state. इसलिए इंडिया में रिलीजियस डोमिनेशन, धर्म के आधार पर यदि कोई डोमिनेशन हो रहा है तो उससे बचने के लिए, उसको सेव करने के लिए इंडियन स्टेट यानी हिंदुस्तान में अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट काम करती ठीक। जैसे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट that are based on secular principle. जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसकी व्यवस्था की गई है? फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था करी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसकी व्यवस्था करी हुई है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। तो जो सिक्स फंडामेंटल राइट्स, जो सिक्स फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए गए हैं, जो सिक्स फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए गए हैं वो किसके ऊपर बेस हैं? दे ऑल बेस ऑन सेक्युलर प्रिंसिपल। हाउएवर दिस इज नॉट टू से दैट देयर इज नो वायलेशन ऑफ These rights in Indian society. तो इतना सब, इतना पूरा इंतजाम करने के बावजूद भी कभी कभी इन rights का क्या होता है? Violation हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कभी भी violation नहीं होता, ठीक है? But such violation happens that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening, ठीक है? So ये सारे के सारे नियम इसीलिए बनाए गए हैं। इंडिया में सेकुलरिज्म हमने अडॉप्ट किया, उस सेकुलरिज्म के बेस पर क्या बनाए? फंडामेंटल राइट्स बनाए। तो हमने इंडिया में सेकुलरिज्म अडॉप्ट किया है, फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं, इसीलिए बनाए हैं क्योंकि अक्सर क्या होता है, इस टाइप के वायलेशन होते हैं, रिलीजियस डोमिनेशन होता है, धर्म के आधार पर कई बार डिस्क्रिमिनेशन फेस होने की कंडीशंस बनती हैं। तो चूंकि धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन फेस होने की कंडीशंस बनती हैं, इसलिए क्या होता है, इसलिए इंडिया में हमने सेक्युलरिज्म अडॉप्ट किया और उस सेक्युलरिज्म को प्रॉपरली वर्कआउट करने के लिए किसका प्रोविजन रखा है? फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन भी रखा है। इतनी बात आई समझ में? यस सर। 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 Now stop. The knowledge that such rights exist makes us sensitive to their violation and enables us to take action when these violations take place. The knowledge that such rights exist. हमें मतलब कंट्री के सिटीजंस को यदि ये नॉलेज हो कि इस प्रकार के बहुत सारे राइट्स हमारे पास में हैं, यदि कंट्री के सिटीजन को ये नॉलेज हो कि हमारे पास इतने सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? इस प्रकार के राइट्स के वॉलेशन को रोक सकते हैं एंड इट इनेबल अस टू टेक एक्शन व्हेन दिस वॉलेशंस टेक प्लेस। और हम आगे क्या कर सकते हैं? हम आगे इन वॉलेशंस के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं यदि क्या हो,
इस प्रकार का कोई वॉल्यूशन हो रहा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, है ना। द चैप्टर इज ओवर स्टूडेंट्स। सो आई विल सेंड, हाँ आप बोलो। लास्ट में किसी ने कुछ बोलने की कोशिश करी थी, हु इज देयर? यस बेटा, समवन वांट्स टू स्पीक समथिंग, सर करके रह गए। नो सर, नो सर। सो इफ यू डू नॉट वांट टू से एनीथिंग, प्लीज डोंट स्विच ऑन योर माइक। जब कुछ पूछना है, बात करनी है, बताना है, तो ही माइक स्विच ऑन करो। चलिए, शारदा कोरा से शारदा, आई वॉन्ट टू टॉक ओनली विथ शारदा, बाकी का कोई भी अपना माइक स्विच ऑन नहीं करेगा। अनुष्का रॉय, माइक स्विच ऑफ करो। युगांत पुंजेकर, युगांत पुंजेकर, स्विच ऑन योर माइक। युगांत पुंजेकर, स्विच ऑन योर माइक। तेजस्वनी मडावी, स्विच ऑन योर माइक। यस सर। गुड, वीडियो ऑन करो। तेजस्वनी मडावी, वीडियो ऑन करो। आई वांट वीडियो ऑन करो, आई वांट टू सी योर फेस। Yes, sir. Wait for a minute. Just a minute, Tejaswini. Yes. Good morning, Tejaswini. Good morning, sir. Beta, what is the name? What is the meaning of Tejaswini? Sir, don't know. Don't know. Okay. So today, yes. Are you having your Hindi class? Yes, sir. Every day. Kindly ask the meaning of Tejaswini, okay, to your Hindi subject teacher. Okay, sir. Beta, right now where are you staying? In Vejmur Colony? Where? Upparvai. 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 Is it in Upparvai village or Upparvai gate? Yes, sir, village. Upparvai village. So network connectivity is quite okay. Yeah. Sometimes when the weather is bad, then the network connection is not good. Sometimes only, but daily it's okay. Well, right now, are you able to communicate with me in a proper way? Yes, sir. है ना? Very good. ठीक है. You can switch off the audio as well as video. Okay, sir. Yes. प्रज्ञा भूमिया, यस सर, स्विच ऑन योर ऑडियो एंड वीडियो बोथ, आई वांट टू इंटरेक्ट विथ यू। यस प्रज्ञा भूमिया, yes sir, wait one minute please. Okay, yes, audio, yes sir. Good. Are you able to interact with me properly? Yes, sir. अभी जब मैं तेजस्वी से बात कर रहा था,
तो इस प्रकार का माइंड में डिस्टर्बेंस और तुम्हारे साथ और बात कर मेबी सर क्योंकि मैं वाईफाई से ले रही हूँ क्लास. आर यू यूजिंग वाईफाई? यस सर. एक बार माइक बंद करके फिर से ऑन करें. यस सर. Now switch on your audio, video. Video is on, sir. Good. Just a minute. Yes. Now is my voice? Yes, sir. Okay. Switch off both your channels. Nitya Vadaskar. वीडियो ऑन करो. गुड मॉर्निंग नित्य. गुड मॉर्निंग सर. Is my voice audible properly? Yes, sir. Achha. You are using mobile right now? Yes, sir. Mobile ko thoda pass leke aao. Ab bolne ki koshish karo. Yes, sir. Mobile ka voice increase. Yes, sir. Done. आप बोलो जरा. Good morning, sir. Okay. Thank you. Now, dear students, as you have seen, है ना? अभी हमने तीन लोगों से बात करी. अनिशा. यस सर. वाणी त्रिवेदी. यस सर. हाँ वाणी, वीडियो और ऑडियो स्विच ऑन करो. यस वाणी. यस सर. Just a minute. Good morning, Mani. Good morning, sir. Is my voice audible properly? Yes, sir, audible. Are you facing any disturbance in voice? No, sir, but sometimes it is coming double. Abhi ye aisa kyun hota hai, na? Why it is happening? अभी हमने जैसे तीन स्टूडेंट से पहले बात करी है, यू आर द फोर्थ वन. गड़बड़ कहां हो रही है? जब नेट स्पीड प्रॉपर नहीं आ रही. इन दैट केस व्हाट हैपेंस? देयर इज ए डिस्टर्बेंस, है ना? जैसे तेजस्विनी वॉज सिटिंग एट हर होम और ऊपर वाई विलेज में टावर पास में ही है, तो नेट स्पीड का इश्यू नहीं था. नेट स्पीड का इश्यू नहीं है तो आवाज अच्छी आएगी. ठीक. दूसरा क्या है? आप हेडफोन यूज कर रहे हैं तो यू आर एबल टू लिसन मी प्रॉपरली. एंड व्हेन यू वांट टू स्पीक समथिंग, आप अच्छे से बोल भी पा रहे हैं. ठीक है. तो जिन लोगों के पास में हेडफोन्स हैं, ठीक है, प्लीज यूज योर हेडफोन्स for attending the live class. मेरी बात समझ में आ रही है अनुष्का बल्कि? Yes, sir. है ना बेटा?
जब हम इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा प्रॉपर करेंगे देन वी विल बी हैविंग वी कैन से ना गुड, फिर हमें उतनी दिक्कतें नहीं जाएंगी। मेरी कही गई बात आई समझ में बेटा? यस सर। कभी कभी किसी किसी दिन ऐसा होता है कि नेटवर्क इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो कोई बात नहीं, अभी अब इससे ज्यादा अपन कर भी कह सकते हैं, है ना। एटलीस्ट टीचमेंट में यू आर एबल टू स्पीक समथिंग, आई एम एबल टू टॉक विद यू, ठीक है। चलिए ओके, सो अभी टाइम हो गया है, सो वी आर वाइंडिंग अप द सेशन हियर, ठीक है। थैंक यू सर। Thank you, sir.